दोस्तों 22 जनवरी यह वही दिन है जब राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण मिला। बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर सनी देओल जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाली है, वहीं खान हीरो को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया। अब तीनों खान को न्योता क्यों नहीं दिया गया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और वीडियो को अंत जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अयोध्या नगरी एक बार फिर से सजा दी गई है। अयोध्यावासी लोगों के साथ साथ देश भर के सभी सनातनियों को इस दिन का इंतजार है, उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद, इतने समय के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए इतना लड़ाई किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रहे हैं। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 60,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों मीडिया की गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही है। इस साल 2019 में जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबेरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन सलमान शाहरुख और आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिकड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान शाहरुख और आमिर को न्योता न मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुला पाया गया। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। भाभी समारोह में आ सकते हैं। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इनविटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते नजर आ रही हैं। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वहीं फिल्म कंधार के एक्टर अरशद शेख थी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहन लाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। वहीं न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर TV सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखलिया भी समारोह में मौजूद होंगी। वहीं प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1920-92 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बार कोड के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। पोस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को राम मलाला की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आया विलुप्त गिद्धों का झुंड। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं गिद्ध यानी की जटायु। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और। पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए, यह निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही ही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री राम के भक्त श्री गिरिराज जटायु भी रहे हैं। गिद्ध जिनके ढाने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख है, यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं, यह विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं, यह बहुत ही ताकतवर होते हैं। दोस्तों अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिला है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको मालूम हो कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। दोस्तों आप बताओ, आपको क्या लगता है सलमान खान
शाहरुख खान और आमिर खान को राम मंदिर उद्घाटन में जाने के लिए न्योता देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।